दोस्तों, म्यांमार हमारे देश के पूरब में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश भी है। इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश एवं हिंद महासागर तथा दक्षिण एवं पूर्व की दिशा में थाईलैंड और लाओस देश स्थित है। म्यांमार भारत का मित्र देश है और कई मौकों पर भारत के सपोर्ट में खड़ा भी रहा है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चलेंगे म्यांमार और जानेंगे भारत के सबसे पुराने मित्र देश के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, भारत के अभिन्न मित्र म्यांमार की जनसंख्या लगभग 5.5 करोड़ है, जबकि इसका क्षेत्रफल 6,76,578 वर्ग किलोमीटर है। म्यांमार विश्व का 39वां सबसे बड़ा देश है। इसकी उत्तर पश्चिम सीमाएं भारत के मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के चटगांव प्रांत से मिलती है। इस देश की राजधानी नाइपिडो है, जबकि यंगून यहां का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, म्यांमार की आधिकारिक भाषा बर्मीज है। वहीं यहां सबसे ज्यादा आबादी बुद्धिस्टों की है। यहां की करीब 88% जनता बौद्ध धर्म का पालन करती है, जबकि 6% आबादी ईसाई और 4% आबादी मुस्लिम की है। दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा का नाम म्यांमारी क्यात है और आपको जानकर खुशी होगी, यह उन देशों में से एक है जहां भारत की करेंसी की वैल्यू ज्यादा है। आज 3 फरवरी 2021 को एक भारतीय रुपया 18.43 म्यांमारी क्यात के बराबर है। दोस्तों, म्यांमार का प्राचीन नाम ब्रह्म देश था, लेकिन जब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया तो वहां की सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति बमा के नाम पर इसका नाम बदलकर बर्मा रख दिया। 4 जनवरी 1948 को यह देश अंग्रेजों के कब्जे से आजाद हुआ, लेकिन 1968 में यहाँ सैनिक शासन लागू हो गया। सैनिक शासन के दौरान ही 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2006 में आधिकारिक रूप से देश का नाम म्यांमार को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे पुरानी मूवी पतंगा में एक गाना था, मेरे पिया गए रंगून। मेरे ख्याल से ये सॉन्ग तो आप सबने सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा भी था जब आम भारतवासी विदेश के नाम पर सिर्फ रंगून ही जानते थे, यानी उनके लिए विदेश जाने का मतलब रंगून जाना होता था। दोस्तों, यह वही रंगून है जहाँ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने जेल में रखा था। इसके अलावा सैकड़ों भारतीय क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा के नाम पर रंगून की जेल में बंद कर दिया जाता था। म्यांमार की आजादी के बाद सन 1989 में रंगून का नाम बदलकर यंगून कर दिया गया। दरअसल बर्मी भाषा में र का उच्चारण य किया जाता है और वहां की ज्यादातर आबादी रंगून को यंगून ही बोलती थी, इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए इस शहर का नाम बदल दिया गया। दोस्तों, थाई बर्मी सीमा पर एक अल्पसंख्यक जनजाति है कायान। इन जनजाति के लोगों में महिलाओं की लंबी गर्दन को सुंदरता की निशानी माना जाता है। इस बात को यहाँ की महिलाएं भी खासा महत्व देती हैं, इसलिए वो गर्दन को लंबा और आकर्षक बनाने के लिए 5 साल की उम्र से ही गर्दन को बढ़ाने के लिए गर्दन में पीतल के छल्ले पहनना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी किताब भी म्यांमार में ही है। इस किताब के हर पेज के पन्ने स्टोन से निर्मित है। पवित्र बौद्ध शब्दों वाली इस किताब में 1460 पन्ने हैं और हर पेज एक पॉलिश्ड मार्बल है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और मोटाई 12.7 सेंटीमीटर है। दोस्तों, म्यांमार के एक प्राचीन शहर बैगान में 900 साल पहले उस वक्त के पैगान शासकों ने 10,000 से अधिक भव्य बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। इन मंदिरों के कारण ही बैगान को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आज भी ये मंदिर इस शहर में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इस देश में एक बहुत ही छोटा सा धार्मिक स्थान है जिसका नाम है मिंगन बेल। वैसे तो यह इलाका काफी छोटा है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि इसलिए है कि यहाँ एक धार्मिक स्थल पर दुनिया का सबसे बड़ा घंटा लगा हुआ है। दोस्तों, म्यांमार की प्राकृतिक खूबसूरती की बात की जाए तो साल 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया की खूबसूरत और दिलचस्प जगहों की लिस्ट जारी करते हुए कहा था कि ये दुनिया की वे जगहें हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर घूम लेना चाहिए। खूबसूरत स्थल वाले देशों की लिस्ट में म्यांमार को 3रे नंबर पर रखा गया था। दोस्तों, म्यांमार दुनिया के उन 3 देशों में से एक है जहां मापने के लिए मीट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं होता है। म्यांमार के अलावा अन्य 2 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और लाइबेरिया। दोस्तों, इस देश में लंबे समय तक सैनिक शासन रहा है। मार्च 2011 में यहां फिर से लोकतंत्र की वापसी हुई और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची की पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर सरकार का गठन किया था। हालांकि लगभग 10 साल तक लोकतंत्र रहने के बाद जनवरी 2021 में म्यांमार के सैनिक शासक ने फिर से तख्ता पलट करके सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया और देश में सैनिक शासन लागू कर दिया। दोस्तों, अंग्रेजी शासन के समय म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था।
लेकिन अब यह गरीब देशों में से एक है। इस देश में आज भी कुछ बड़ी कंपनियों जैसे वीजा, मास्टर कार्ड इत्यादि के क्रेडिट कार्ड भी स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इसलिए जब आप वहाँ घूमने जाएं, तो अपने लिए कुछ कैश साथ लेकर चलना ही बेहतर होगा। दोस्तों, बर्मीज खाने में आपको चीन और भारत का असर देखने को मिलेगा। यहाँ का स्थानीय फूड बेहद मसालेदार होता है। पारंपरिक बर्मीज खाने में मोहिंगा और उन्नो कोसे है, जो यहाँ के लोग बहुत ही पसंद से खाते हैं। मोहिंगा मछली और संतरे के जूस के साथ चावल को मिलाकर बनाया जाता है, जबकि नारियल के दूध में पकाए गए नूडल्स को उन्नो कोसे कहा जाता है। कई बार इसे चिकन के साथ भी पकाया जाता है। दोस्तों, म्यांमार का सबसे लोकप्रिय त्योहार थिंगयान है। यह बर्मीज लोगों का न्यू ईयर है। यह फेस्टिवल हर साल अप्रैल माह में 5 दिनों तक चलता है। म्यांमार दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां इंटरनेट पर बहुत ही सख्त पाबंदी लगी हुई है। वहां आप सरकार या सैन्य शासन के खिलाफ ब्लॉग या सोशल साइट्स पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, या कोई भी ऐसा फोटो या वीडियो डालने पर आपको जेल हो सकती है, जिससे म्यांमार की इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती हो। दोस्तों, इन सब के बावजूद म्यांमार टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ का शहर यंगून और मांडले में स्थित धार्मिक स्थल जैसे मौन स्टेट, पिंडाया, बागो, बैगान इत्यादि टूरिस्टों का फेवरेट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, भारत सरकार म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ते हुए 3200 किलोमीटर का 4 लेन का हाईवे बनवा रही है। इस हाईवे का रूट गुवाहाटी से शुरू होकर मांडले होते हुए यंगून जाएगा। इसके बाद यह थाईलैंड के मे सोट को जोड़ेगा। यह हाईवे निर्माणाधीन है, लेकिन इसके बन जाने के बाद हम भारतीय सड़क मार्ग से न सिर्फ म्यांमार बल्कि थाईलैंड तक जा सकेंगे। अगर आपको म्यांमार के बारे में और भी कुछ पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं आपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।